कि तेरे हर सवाल का जवाब लिखा है मैंने इश्क के फूलों में, तुझे गुलाब लिखा है और तेरे उंस के मिसरे तू बेहद खूबसूरत है, कि तेरे उंस के मिसरे तू बेहद खूबसूरत है, मेरे ही कांपते हाथों ने इन्हें खराब लिखा है। मुस्कान सक्सेना है और मैं लखनऊ से हूँ और अब फ़िलहाल जॉब के सिलसिले में यहाँ आना हुआ, तो अब यहाँ के भी हो गए और उम्मीद है कि जो भी प्रेजेंट करेंगे आप लोगों के दिल तक पहुँचेगा। एंड उससे पहले एक बार तहे दिल से शुक्रिया अनस्पोकन वॉइस को बुलाने के लिए। ओके, तो शुरुआत करते हैं एक शेर से कि इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। था कोई जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आगे एक पोएट्री सुनाते हैं। बहुत नर्वस हूँ, हमेशा की आदत है, कभी भी परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं और ये नया शहर है तो पर उम्मीद है जाते जाते अपना बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैंने कुछ साल पहले लिखी थी, पोएट्री का नाम है ज़रूरी है क्या। कि इश्क एक ही जात में हो ज़रूरी है क्या, कि इश्क एक ही जात में हो ज़रूरी है क्या, वो राजी हर एक बात में हो ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि इश्क एक ही जात में हो ज़रूरी है क्या, वो राजी हर एक बात में हो ज़रूरी है क्या, और हम दिल दे बैठे जिस मौसम में वो मौसम पतझड़ का था। कि हम दिल दे बैठे जिस मौसम में वो मौसम पतझड़ का था, अरे मोहब्बत बस बरसात में हो ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि हम दिल दे बैठे जिस मौसम में वो मौसम पतझड़ का था, अरे मोहब्बत बस बरसात में हो ज़रूरी है क्या। और आगे है कि कभी कुछ बाजी हार के भी देख लेने दो हमें, कभी कुछ बाजी हार के भी देख लेने दो हमें, जीत ही अच्छी हर बिसात में हो ज़रूरी है क्या। कभी कुछ बाजी हार के भी देख लेने दो हमें, जीत ही अच्छी हर बिसात में हो ज़रूरी है क्या। और बड़ी आसानी से ये मान लिया तुमने वो बेवफा है, अभी काफ़ी लोग पढ़ रहे थे इस पे। कि बड़ी आसानी से ये मान लिया तुमने वो बेवफा है, मिलावट उसके भी जज्बात में हो ज़रूरी है क्या। कि बड़ी आसानी से ये मान लिया तुमने वो बेवफा है, मिलावट उसके भी जज्बात में हो ज़रूरी है क्या। और अब वो दोनों रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं, कि अब वो दोनों रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं, मगर दोनों एक ही हालात में हो ज़रूरी है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद एक शेर है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेट कर सकते हैं कि आ जाओ आ जाओ। ये है कि अब लौट आओ वक्त सिमटता जा रहा है, कि अब लौट आओ वक्त सिमटता जा रहा है, मेरा दिल अपनी जगह से ज़रा हटता जा रहा है। कि अब लौट आओ वक्त सिमटता जा रहा है, मेरा दिल अपनी जगह से ज़रा हटता जा रहा है, और तुम्हारे नूर की मुझ में कुछ कमी सी है शायद, तुम्हारे नूर की मुझ में कुछ कमी सी है शायद,
तभी लोग कहते हैं मेरा नूर घटता जा रहा है। रिलेट कर गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और पोएट्री पढ़ते हैं कि इसका नाम है तुझे गुलाब लिखा है, ये अभी मैंने हाल ही में लिखी थी। तो ये है कि तेरे हर सवाल का जवाब लिखा है, कि तेरे हर सवाल का जवाब लिखा है, तुझे इश्क के फूलों में मैंने गुलाब लिखा है। कि तेरे हर सवाल का जवाब लिखा है मैंने इश्क के फूलों में तुझे गुलाब लिखा है, और तेरे उंस के मिसरे तू बेहद खूबसूरत है। कि तेरे उंस के मिसरे तू बेहद खूबसूरत हैं, मेरे ही कांपते हाथों ने इन्हें खराब लिखा है। कि तेरे हर सवाल का जवाब लिखा है मैंने इश्क के फूलों में तुझे गुलाब लिखा है, और तेरे उंस के मिसरे तू बेहद खूबसूरत है। कि तेरे उंस के मिसरे तू बेहद खूबसूरत हैं, मेरे ही कांपते हाथों ने इन्हें खराब लिखा है। और लोग कहते हैं मोहब्बत का नशा उतर जाता है वक्त के साथ, लोग कहते हैं मोहब्बत का नशा उतर जाता है वक्त के साथ, तेरा चढ़ता रहा तो तुझे शराब लिखा है। ये लोग कहते हैं मोहब्बत का नशा उतर जाता है वक्त के साथ, तेरा चढ़ता रहा तो तुझे शराब लिखा है, और तेरी मौजूदगी ख्याल से हकीकत को बांधे रखती है। ये इस चीज़ पे था कि जैसे जब भी हम कोई ख्वाब देखते हैं तो उस ख्वाब से पहले उसके बारे में एक ख्याल आता है, और फिर वो ख्वाब, फिर उस ख्वाब को हम हकीकत में तब्दील करते हैं। तो ये उस पर है कि तेरी मौजूदगी ख्याल को हकीकत से बांधे रखती है, तेरी मौजूदगी ख्याल को हकीकत से बांधे रखती है, तो दरमियाँ किसी ख्वाब सा तो तुझे ख्वाब लिखा है। तू दरमियाँ किसी ख्वाब सा तो तुझे ख्वाब लिखा है, और मुकम्मल शेर हर कर दूँ मैं किसी पन्ने पर लिखकर, मुकम्मल शेर हर कर दूँ मैं किसी पन्ने पर लिखकर, हो पन्ना इश्क का तुझे इश्क की किताब लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हो पन्ना इश्क का तुझे इश्क की किताब लिखा है, कि तेरे हर सवाल का जवाब लिखा है मैंने इश्क के फूलों में तुझे गुलाब लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक पोइट्री और पढ़ते हैं, फिर एक शेर और हम विदा लेंगे। ओके, तो ये सार्काज्म फील में है कि तुम्हें पाना खोना फिर पाना, कि तुम्हें पाना खोना फिर पाना मेरी इतनी औकात कहाँ, कि तुम्हें पाना खोना फिर पाना मेरी इतनी औकात कहाँ, तुम्हारा होकर किसी और का हो जाना मेरी इतनी औकात कहाँ। कि तुम्हें पाना खोना फिर पाना मेरी इतनी औकात कहाँ, तुम्हारा होकर किसी और का हो जाना मेरी इतनी औकात कहाँ। और बहाने बनाना बहुत खूब आता है तुम्हें, पता है मुझे। कि बहाने बनाना बहुत खूब आता है तुम्हें, पता है मुझे। पर ये बात तुम्हारी आंखों में देख कर कह पाना मेरी इतनी औकात। और यूं तो बस एक पल काफ़ी है किसी को याद करने के लिए, कि यूं तो बस एक पल काफ़ी है किसी को याद करने के लिए, पर मेरा तुम्हें याद आना मेरी इतनी औकात का। कि यूं तो बस एक पल काफ़ी है किसी को याद करने के लिए, पर मेरा तुम्हें याद आना मेरी इतनी औकात कहाँ। और हमारी मोहब्बत ऐसी है कि तुम्हारे पीछे नंगे पांव दौड़ जाएं, कि हमारी मोहब्बत ऐसी है कि तुम्हारे पीछे नंगे पांव दौड़ जाएं, पर मेरे पैर चल ना जाएं कहीं, तुम्हें ये ख्याल आना मेरी इतनी औकात। और सुनो, बहुत लिख लिया तुम्हारे बारे में, बहुत कह लिए तुम्हारे किस्से। कि बहुत लिख लिया तुम्हारे बारे में, बहुत कह लिए तुम्हारे किस्से, किसी शायर की तरह अपने दर्द को लिखते जाना
मेरी इतनी औकात कहाँ। तो बस जाते जाते एक शेर, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, सर्दी ख़त्म हो रही है पर सर्दी वाला ही शेर है कि सर्द सुबह में ओस की बूंदों के बीच, सर्द सुबह में ओस की बूंदों के बीच तेरी हाथों की बनी एक चाय चाहिए। क्या बात कि सर्द सुबह में ओस की बूंदों के बीच तेरे हाथों की बनी एक चाय चाहिए और मुझे इश्क के गुनगुने से मसलों पर तेरी सौंधी सी अदाएं चाहिए। बहुत बहुत।